छत्तीसगढ़ के रायपुर में 2 साल बाद मनाया जा रहा जो हर्षोल्लास के साथ में यात्रा जो है शुरू की गई और जगन्नाथ जी की पूजा अर्चना के बाद अब से कुछ ही देर में रथ यात्रा निकाली जाएगी। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। रथ यात्रा का आरंभ 1 जुलाई से और समापन 12 जुलाई को होगा। आपको बताया राज्यपाल अनुसुईया उइके के सीएम भूपेश बघेल सहित कई मंत्री जो है शामिल होंगे। रथ यात्रा का दिन है, भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, अब से कुछ ही देर में यहां पर सीएम साहब और राज्यपाल महोदया पहुंचेंगी। तो पंडित जी से चर्चा करते हैं आज के दिन के विशेष महत्व के बारे में। पंडित जी, रथ यात्रा का दिन है, आज के दिन के विशेष महत्व के बारे में बताएं। अब देखिए, रथ यात्रा भगवान का पर्व तो है ही है, आज 2000 वर्ष से चलता आ रहा है। जैसे पुरी में रथ यात्रा होती है, उसी में हम लोग ऐसी मान्यता के अनुसार यहाँ भी अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार रथ यात्रा को मनाते हैं और यहाँ भारी संख्या में भक्त लोग आते हैं। और आज के दिन गवर्नर, मुख्यमंत्री, सारे मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं और आके यहाँ झाड़ू लगाएंगे और जल का छिड़काव करेंगे, भगवान को लेके जाएंगे, रथ यात्रा में बैठाएंगे, यात्रा में सम्मिलित होते हैं। भगवान की पूर्णाहुति होती है, हवन होता है यज्ञशाला में। बड़े अच्छे ढंग से इस पर्व को हम लोग मनाते हैं। विशेष तौर से उड़िया समाज जो है यहाँ रायपुर छत्तीसगढ़, वो सब मनाते हैं जी। धार्मिक आस्था की बात कही जाए तो क्या देखा जा रहा है लोगों में? पिछले 2 साल हर्षोल्लास के साथ नहीं मना पाए हैं भक्त इसको, तो इस बार क्या स्वरूप इसका बदला हुआ है? देखिए, कोरोना काल में तो ऐसा था कि 2 वर्ष सभी लोग गाइडलाइन के हिसाब से नहीं आ पाए और इसी समय ऐसा मानना है कि भक्त लोग जो उदास थे 2 वर्ष, तो इस वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आने का प्रयास करते हैं और आकर के भगवान की रथ यात्रा में सम्मिलित होना चाहते हैं। धार्मिक आस्था से ही एक और जुड़ा हुआ प्रश्न है। माना जाता है कि भगवान अपनी बहन सुभद्रा के साथ और बड़े भाई बलराम जी के साथ 15 दिन के प्रवास पर रहते हैं, मौसी के यहाँ जाते हैं, क्या है पंडित जी ये कथा? देखिए, ऐसी मान्यता है कि भगवान बीमार हो जाते हैं और स्नान पूर्णिमा को उनको स्नान कराया जाता है, जिससे उनको सर्दी बुखार हो जाता है। 15 दिन पुजारियों द्वारा काढ़ा पिलाया जाता है भगवान को और इसके पश्चात वो अपने मौसी के यहाँ जाते हैं घूमने के हिसाब से, और वहाँ घूमते हैं, बढ़िया स्वस्थ हो जाते हैं। फिर बहोड़ा यात्रा 10 दिन बाद होती है, तो फिर वापस अपने घर को आ जाते हैं। यही मान्यता परम्परा चली आ रही सनातन अपने ग्रंथों के अनुसार। तो जैसा कि आपने बताया 15 दिन के लिए भगवान मौसी के यहाँ जाते हैं, तो मौसी का घर जो है उनका, उसके बारे में कुछ बताएं। अब मौसी का घर तो देखिए, सभी का मौसी घर प्रिय होता है, माँ की ही जैसी जो हो वो मौसी है। तो भगवान की भी मौसी जी हैं, वहाँ पर गए, वहाँ पर निवास किए, अब बढ़िया आनंद लिए, भोजन पानी के फिर आ गए अपने घर को, बस यही मान्यता है जी। तो रायपुर गायत्री नगर के जगन्नाथ मंदिर के पुजारी जी थे जिन्होंने आज के दिन की पूरी महत्ता को बताया और क्या क्या आयोजन आज होने वाला है उसके बारे में हमसे अपनी जानकारी चर्चा जो है वो की। जगन्नाथ मंदिर रायपुर से कैमरामैन टिकेश्वर के साथ स्वाति कौशिक, ANB News।